वेलकम टू बानिक। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि रिसेंटली जो 2020 टोक्यो ओलंपिक में जो पारा ओलंपिक्स होने वाले हैं, ठीक है, आपको पता होगा ओलंपिक्स के बाद क्या होता है, पारा ओलंपिक्स होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 2020 पारा ओलंपिक्स में इंडिया के कौन कौन लोग, कौन कौन एथलेटिक्स पार्टिसिपेट किए हैं और किस किस फील्ड में पार्टिसिपेट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दैट इज द टोक्यो पारा ओलंपिक 2020 का टोक्यो पारा ओलंपिक। आप सोच रहे होंगे कि 2021 में हो रहा है, 2020 क्यों मेंशन किया गया है। तो एक्चुअली जो होने वाला था ओलंपिक और पारा ओलंपिक, ये 2020 का टोक्यो में ही होने वाला था, लेकिन ड्यू टू द कोरोना वायरस के चलते क्या किया गया, इसको एक्सटेंड किया गया 2021 में, लेकिन इसका जो नाम उसका 2020 ही रखा गया। ठीक है, अच्छा, उससे पहले हम लोग थोड़ा जान ले, ओवरऑल एक आइडिया लेते हैं पारा ओलंपिक्स के ऊपर। दैट द इंडिया टू पार्टिसिपेट इन 9 स्पोर्टिंग इवेंट्स एट अपकमिंग टोक्यो पारा ओलंपिक्स। याद रखिएगा, इंडिया के जो पारा एथलेटिक्स हैं, इस बार 9 स्पोर्टिंग इवेंट में क्या करेंगे, आपका पार्टिसिपेट करेंगे, विच गेट्स अंडरवे फ्रॉम अगस्त 24। याद रखिएगा, जो पैरालंपिक्स हैं, जो कि टोक्यो में होने वाला है, कब से होगा, ये होगा, याद रखिएगा, आपका अगस्त 24 से आपका पैरालंपिक स्टार्ट होगा। क्लियर, अच्छा, 54 इंडियन पारा एथलेटिक्स, इस बार याद रखिएगा कितने पारा एथलेटिक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया से, तो याद रखिएगा आपका 54। क्लियर, 54 इंडियन पारा एथलेटिक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से याद रखिएगा आपका 38 मेल हैं और 16 क्या है आपके फीमेल हैं। क्लियर, टोटल 54 में से याद रखिएगा आपका 38 मेल पारा ओलंपियंस एंड 16 आपका फीमेल पारा एथलेटिक्स पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट, दिस ईयर इंडिया विल पार्टिसिपेट इन डिफरेंट कैटेगरी और डिसिप्लिन बोल सकते हो, बहुत सारे कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेगा, जैसे कि यहां पे दिया गया, देखिए आपका आर्चरी हो गया, एथलेटिक्स हो गया, बैडमिंटन हो गया आपका, उसके बाद आपका शूटिंग हो गया, टेबल टेनिस हो गया, पारा कैनोइंग हो गया, स्विमिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया और टाइकांडो। क्लियर, तो कुछ इस सारे फील्ड में क्या करेगा, जो हमारे 54 इंडियन पारा एथलेटिक्स हैं, वो क्या करेंगे, इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, 2016 के जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थे, जिनका नाम था आपका मरियप्पन, वो याद रखिएगा इस बार हमारा इंडिया का फ्लैग करेंगे, बेरिंग करेंगे आपका पारा ओलंपिक्स गेम में। पता होगा हर कंट्री का एक आदमी क्या करता है, एक जो एथलेटिक्स होता है उस फ्लैग को लेकर आगे बढ़ता है, तो इस बार को जो फ्लैग को लेकर आगे बढ़ने का जो जिम्मेदारी है वो दिया गया है किसको, आपका मरियप्पन, जो कि याद रखिएगा 2016 के रियो में एक गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट दिया गया, देखिए आपका, पहले हम लोग आते हैं एक एक कैटेगरी वाइज हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले हो गया आपका आर्चरी, कि आर्चरी में इंडिया का कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो देखिए पहला हो गया मेंस रिकवर इंडिविजुअल ओपन। क्लियर, मेंस रिकवर इंडिविजुअल ओपन में आपके दो जन पार्टिसिपेट करेंगे, एक हो गया याद रखिएगा आपका हरविंदर सिंह और एक हो गया आपका विवेक चिकारा। उसी प्रकार से मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल ओपन वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, याद रखिएगा आपका राकेश कुमार जी और श्याम सुंदर स्वामी, राकेश कुमार, मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल ओपन। नेक्स्ट वन इज ओमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल ओपन। क्लियर, ओमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल ओपन में पार्टिसिपेट करेंगे, याद रखिएगा आपका ज्योति बलियान। उसके बाद आपका हो गया कंपाउंड मिक्स टीम ओपन, उसमें पार्टिसिपेट करेंगी ज्योति बलियान एंड टीवीसी। ठीक है, ज्योति बलियान और टीवीसी पार्टिसिपेट करेंगे, याद रखिएगा आपका कंपाउंड मिक्स टीम ओपन। क्लियर, तो ये लोग सारे पार्टिसिपेट करेंगे किस फील्ड में, आर्चरी। क्लियर, आर्चरी तीर धनुष का जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग आर्चरी। क्लियर, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ये सारे हमारे एथलेटिक्स।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हो गया देखिए आपका बैडमिंटन, क्लियर। बैडमिंटन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो बैडमिंटन में देखिए पहला हो गया आपका मेंस सिंगल, ठीक है, मेंस सिंगल कैटेगरी, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे आपके प्रमोद भगत, मनोज सरकार, एस एल यतिराज, तरुण धिलोन एंड कृष्ण नागर। तो ये आपके जो पांच एथलेटिक्स हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे, याद रखिएगा आपका मेंस सिंगल बैडमिंटन कैटेगरी में। उसी प्रकार से ओमेन सिंगल में, तो ओमेन सिंगल में पार्टिसिपेट करेंगे, याद रखिएगा आपका पलक कोहली एंड पराल परमार एंड पलक कोहली, दे टू पार्टिसिपेट इन ओमेन्स सिंगल बैडमिंटन कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज ओमेन्स डबल, ठीक है, ओमेन्स डबल में पार्टिसिपेट करेंगे आपका सेम परुल परमार जो कि यहां पे भी है और पलक कोहली, दोनों मिक्स्ड करके भी पार्टिसिपेट करेंगे आपका ओमेन्स डबल में। और मिक्स डबल का मतलब होता है मेन ओमेन दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे, यहां देखिएगा तो प्रमोद भगत और आपका पलक कोहली, क्लियर, पलक कोहली और प्रमोद भगत आपका पार्टिसिपेट करेंगे मिक्स डबल बैडमिंटन टूर्नामेंट में, क्लियर। इतना समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका, नेक्स्ट हो गया देखो कुछ कैटेगरी यहां पे दिया गया है, जैसे कि पारा कैनोइंग, पावर लिफ्टिंग और स्विमिंग, क्लियर। पारा कैनोइंग, स्विमिंग और पावर लिफ्टिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, पारा कैनोइंग में ओमेन्स पार्टिसिपेट करेंगे जिनका नाम है, याद देखिएगा प्राची यादव जी, क्लियर, प्राची यादव जी पार्टिसिपेट करेंगी आपका ओमेन्स पारा कैनोइंग कैटेगरी में। वहीं अगर आप लोग स्विमिंग में देखते हो तो 200 इंडिविजुअल में पार्टिसिपेट करेंगे आपके सुयास जादव जी, और 50 मीटर बटरफ्लाई इसमें पार्टिसिपेट करेंगे आपके सुयास जादव और निरंजन मुकुंदन और सुयास जादव, दे टू पार्टिसिपेट इन 50 मीटर बटरफ्लाई कैटेगरी। नेक्स्ट पावर लिफ्टिंग का बात किया जाए तो मेंस 65 kg मेंस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे आपके जयदीप देसवाल, और ओमेन्स 50 kg, क्लियर, ओमेन्स 50 kg कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगी सकीना खातून। तो ये लोग समझ में आ गया आपका पारा कैनोइंग, स्विमिंग और पावर लिफ्टिंग कैटेगरी गया। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया देखो आपका टेबल टेनिस में पार्टिसिपेट करेंगे आपका सोनवाल मधुबानी पटेल और भवीना हसमुखबाई पटेल, क्लियर, भवीना हसमुखबाई पटेल और सोनल बेन मधुबानी पटेल, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे आपका टेबल टेनिस कैटेगरी में। और टाइकांडू कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे और माइनस 48 kg में अरुणा तनवार विल पार्टिसिपेट इन ओमेन्स 49 kg टाइकांडू इवेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो गया देखो आपका इंडिया का सबसे लकी कैटेगरी होता है, याद रखिएगा आपका शूटिंग। इंडिया हर साल बहुत सारा मेडल जीतता है शूटिंग में, बट अनफॉर्चुनेटली 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक थे उसमें इंडिया शूटिंग में कोई मेडल जीत नहीं पाया, लेकिन ये कैटेगरी हमारे लिए एक अच्छा कैटेगरी होता है। तो आते हैं देखते हैं, देखिए पहला हो गया आपका मेंस 10 मीटर एयर राइफल, क्लियर, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे स्वरूप महावीर और दीपक सैनी और स्वरूप महावीर, दे टू पार्टिसिपेट इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल। नेक्स्ट ओमेन्स 10 मीटर एयर राइफल, इसमें पार्टिसिपेट करेंगी अवनी लेखारा। नेक्स्ट मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे मनीष नरवाल और दीपेंद्र सिंह सिंगराज और आपके मनीष नरवाल, दे बोथ विल पार्टिसिपेट इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज ओमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल, क्लियर, ओमेन्स 10 मीटर में पार्टिसिपेट करेंगे रुविना फ्रांसिस। नेक्स्ट वन इज मिक्स 10 मीटर एयर राइफल,
मेक्स 10 मीटर एयर राइफल। इसमें पार्टिसिपेट करेंगे दीपक सैनी, सिद्धार्थ बाबू, यहां पे कोमा होगा सॉरी, दीपक सैनी, सिद्धार्थ बाबू और अवनी लेखारा, तीन जन पार्टिसिपेट करेंगे, दीपक सैनी, सिद्धार्थ बाबू और अवनी लेखारा। नेक्स्ट वन इज मिक्स 25 मीटर पिस्टल, मिक्स 25 मीटर पिस्टल। इसमें पार्टिसिपेट करेंगे आकाश एंड राहुल झकार, आकाश जी और राहुल झकार जी पार्टिसिपेट करेंगे हमारे मिक्स 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है आपका मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे हमारे दीपक सैनी जी। नेक्स्ट वन इज ओमेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे हमारे अवनी लेखारा जी। नेक्स्ट मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल, इसमें आपका आकाश, मनीष नरवाल और सिंहराज जी पार्टिसिपेट करेंगे आपका मिक्स 15 मीटर पिस्टल कैटेगरी में। और मिक्स 50 मीटर राइफल प्रून, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे दीपक सैनी, अवनी लेखारा और सिद्धार्थ बाबू। तो ये हो गया आपका कौन सा कैटेगरी, ये हो गया आपका शूटिंग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने वाले हमारे इंडिया के पारा ओलंपियंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो गया देखो इंडिविजुअल एक थ्रो दिया गया, जैसे कि पहला हो गया आपका मेंस जेबलिन थ्रो, क्लियर, मेंस जेबलिन थ्रो, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखो जेबलिन थ्रो रिसेंटली इंडिया गोल्ड मेडल जो जीता है 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने, क्लियर, तो जेबलिन थ्रो में ही जीता है, तो होप यहां पे भी इंडिया एक मेडल जीत जाए, क्लियर। मेंस जेबलिन थ्रो इसमें हो गया आपका रंजीत भाटी, सुंदर सिंह गुज्जर, अजीत सिंह, देवेंद्र झाझरिया, सुमित अंटील, संदीप चौधरी, टेक चांद और नवदीप सिंह, क्लियर, ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे, याद रखिएगा आपका मेंस जेवलिन थ्रो कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है मेंस डिस्कस थ्रो, मेंस डिस्कस थ्रो में आपका हो गया विनोद कुमार और योगेश खातुनिया। नेक्स्ट वन इज मेंस हाई जंप, इसमें हो गया आपके निषाद कुमार, रामपाल, शरद कुमार, मरियप्पन, देखिए यही मरियप्पन जिन्होंने अगले बार क्या जाता मेंस हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता था, क्लियर, तो होप इस बार भी वो भारत का नाम रोशन करें और इस बार भी क्या करें वो एक गोल्ड मेडल जीत के लाए देश के नाम। और वरुण सिंह भाटी, प्रवीण कुमार, क्लियर, दे ऑल विल पार्टिसिपेट इन मेंस हाई जंप कैटेगरी। ओमेन्स 100 मीटर में पार्टिसिपेट करेंगी हमारी सिमरन जी, मेंस शॉटपुट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे हमारे अरविंद मलिक, सोमन राणा। नेक्स्ट वन इज ओमेन्स शॉटपुट, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे हमारे भाग्यश्री, माधव राव जाधव जी। मेंस क्लब थ्रो, इसमें पार्टिसिपेट करेंगी आपका धर्मवीर नैन और अमित कुमार सरोहा। ओमेन्स क्लब थ्रो, इसमें पार्टिसिपेट करेंगी एकता भयान और काशी लाकरा। ये कुछ इंडिविजुअल कैटेगरी में आ गए हम लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये किस में आएगा, तो ये आएगा याद देखिएगा आपका एथलेटिक्स में आएगा, पहली बार इंडिया एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता 2020 टोक्यो ओलंपिक में, क्लियर, तो इसमें भी शायद तक इंडिया कुछ नाम रोशन करे। बानिक और बानिक की पूरी टीम की तरफ से हमारे जो पारा ओलंपिक्स पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। जिस प्रकार से 2020 का टोक्यो ओलंपिक इस बार देश के लिए सबसे अच्छा ओलंपिक साबित हुआ, होप कि ये जो पारा ओलंपिक होने वाला है टोक्यो में जो कि स्टार्ट होने जा रहा है आपका याद रखिएगा 24 अगस्त से, इसमें भी इंडिया के जो पारा ओलंपियंस हैं वो देश का नाम रोशन करें। अगेन बानी की पूरी टीम की तरफ से इन सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।